तो यार ये जो भाई साहब हैं वो चले गए थे वहां पे, वो तो देखो कितनी प्यारी डब है यार, ये बैठी हुई तार पे। तुम तो इधर हो, तुम्हारा वो कहां है दूसरा पार्टनर है? कहां चढ़ के बैठे हैं ये? चलो उतरो, शुक्र है। गिरेगा 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 भाई। इधर ही आसपास कहीं ना उसका घोंसला बना हुआ है, या तो इस हॉल के अंदर बना हुआ है। तो कमेंट में लिखेंगे तो मैं लाजमी उसको कल या परसों पकड़ने की करते हैं। चलो यार जल्दी जल्दी। और भाई बबलू, तो यार मैंने जो है ना वो अभी ये देखें, शुक्र है यहीं है, इन दोनों को बाहर खुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो यार मैं ना सेटअप पे जाने से पहले दूर डेली का है मेरा रूटीन, यही करता हूँ, इन दोनों को ना बाहर खोल देता हूँ। और ये दोनों ना बाहर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये उस कचरे में चले जाते हैं। और जो प्लाट है ना देख रहे हो कितनी गंदगी है, ये सारा का सारा इनका ऑर्गेनिक फूड है भाई, नेचुरल फूड जिससे इनको ताकत मिलती है। सीधी बात, ये गलियों में पलते हैं, जो मेन पलते ना वो गलियों में पलते हैं। तो इस वजह से मैं इन दोनों को खोल देता हूँ। माशाल्लाह देखें, ये जो है रानी खेत की बीमारी से बिल्कुल सेट हो चुके हैं, और अब सिर्फ इनमें हल्की फुल्की कमजोरी है जो इनकी टांगों में आप लोगों को लड़खड़ाहट शायद वाजे उड़ियों में दिखाऊँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, गिरा। तो ये वाला सीन है, तो इस वजह से ना इनको मैं यहाँ खोलता हूँ, ये आराम से घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, फिर इनको मैं बंद कर देता हूँ और फिर चले जाता हूँ सीधा सेटअप पे। खैर से जल्दी से थोड़ा बहुत खा पी लें और फिर मैं इनको बंद करके सेटअप पे चल। तो यार ये जो भाई साहब हैं वो चले गए थे वहाँ पे, वो पीली शर्ट वाले लड़के से डर के, और इनको अब मैं यहाँ पे लाया हूँ, और एक घूम रहा है प्लाट पे। तो ये बस इनका हो गया, इनको अब बंद करते हैं। चलो बेटा ला रहा हूँ मैं उसको भी। कहाँ पर है वो, फिर कहाँ गया वो, देखो कहाँ घूम रहा है। तो देखो कितनी प्यारी डब है यार, ये बैठी हुई तार पे, अभी नीचे बैठी हुई थी यहाँ पर उड़ गई, मेरे से डर के उड़ गई। चलो भाई चलो 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 चलो, अब तुम्हारा बंद होने का टाइम है, बड़ी पिद्दी मचाएंगे भाई, अब ये मेरी पिद्दी मचाएंगे बंद होने में, जल्दी से चलो। हाँ चलो भाई, आखिरकार अंदर आपके भाई ने इनको ले आया, बड़ी मुश्किलों से अंदर आए भाई, बड़ी मुश्किलों से, दोनों हाथ मेरे खुले हुए थे। खैर से इनको यार बंद करते हैं और जल्दी से सेटअप पे चलते हैं, क्योंकि सेटअप पे सारे इंतजार कर रहे हैं, भूखे हो रहे हैं। वो देखो जल्दबाजी में मैं ये तो भूल ही जाता सारा इनका प्याला और दाना। तो भाई आज जो है ना हम खाली हाथ आए, क्योंकि आज घर पे कुछ भी नहीं बना, मतलब खाने में तो बना था पर चावल नहीं बचे, कुछ भी बचा कुचा नहीं है जो इनको हम दे सकते खाने के लिए। खैर से तो यार इनको ना सबसे पहले तो यार मैं सारों को आज बाजरा देना है, तो बाजरा भिगोता हूँ, साफ़ करता हूँ, और फिर इनको एक एक करके डालते हैं। और फिर हमने जो अपना वो छोटा सा बेबी है देखें, उसका पोटा नहीं भरा हुआ होगा मुझे पता है, सुबह तो मैंने खिला दिया था पर अब शाम में भी खिलाना है, क्योंकि दो टाइम तो एटलीस्ट ये खाएगा यार, तो उसको भी खिलाना है। तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते हैं। भाई तुम तो इधर हो, तुम्हारा वो कहाँ है दूसरा पार्टनर है? कि वो देखें वो बैठा हुआ उसे, यार ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे बैठो ना, अंडे पे अंडे के खराब होने के लिए दिया है, इसको छोड़ो अब अंडे पे बैठो, समझे? अब यार ये जल्दी से दूसरा अंडा देना, तब जाएगा ये अंडे पे बैठेगी, इनकी आदत होती है। क्या चाहिए क्या चाहिए? तो यार ब्राउनी की आप लोग हरकत देखो यार, इसको ना बाजरा नहीं खाना, इसने ना वही खाना जो मैं इसको डेली देता हूँ, चावल और उसके अंदर प्याज वगैरह कटे हूँ, टमाटर, पर आज नहीं है। तो देखें इसको, इसके नखरे ही नहीं मिल रहे, ये देखें यहाँ ही घूमे जा रहा मेरे पीछे पीछे, देखें बस इधर आ जा रहा मेरे पास बार बार के मुझे वो दो। अब वो मैं कहाँ से ला के दूँ इसको? भाई आज तुम्हारी मजबूरी है, आज तुम्हारे को यही खाना पड़ेगा। हाँ मारो मुँह, सही है सही है। ये लो भाई ये पकड़ो तुम अपना दाना। ओहो एक तो यार इनको दाना डालना मुश्किल है। तो यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि मैंने अंडा देख तो लिया, पर ये भूल गया कि कल तक ये अंडा था नहीं। तो यार माशाल्लाह से इन्होंने एक और अंडा दे दिया है, वो देखें वो पड़ा हुआ पीछे, ये मेरे दिमाग में नहीं रहा, बड़े मज़े से बोल रहा हूँ अंडे पे बैठ जाओ। खैर चलें दोस्तों, वो याद नहीं रहता, इन्होंने इतने अंडे ये दे चुके हैं माशाल्लाह से। बाकी यार इनके बच्चा जो है ना ये अंडा तोड़ ना जाए, मुझे ये डर है, वो देखें, क्योंकि अंडा इन्होंने छोड़ा हुआ है, अभी दूसरा अंडा देगी ना तब ये प्रॉपर बैठेगी सही से, और अभी बच्चा भी इस वजह से ये बैठ नहीं रही है। तो देखते हैं यार, अल्लाह करे कि दूसरा अंडा जल्द दे, कल ही दे दे, वैसे इसको देने देना चाहिए था आज, अगर ये अंडा आज दिया है तो ये कल देगी दूसरा अंडा, और अगर कल दिया है इसने ये अंडा रात में, तो फिर आज रात या फिर कल सुबह तक इसका एक और अंडा लाजमी होना चाहिए। ये देखो यार इनकी हरकतें, कहाँ चढ़ के बैठे हैं ये। चलो उतरो, शुक्र है, गिरेगा 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 भाई, इसको उतारूं यार सबसे पहले तो, पकड़ लिया। चलो नीचे जाओ, इसके चक्कर में घूमते रहते हैं, इसको यार अब यहाँ रखूँगा ताकि ऊपर ना चढ़ें, फिर चढ़ेगा। अरे भाई ये खाने में,
यार एक प्रॉब्लम ना मेरे लिए, पता नहीं क्यों खड़ी हो गई है, ये लोग ना मुंह ही नहीं मार रहे बाजरे को, या तो गर्मी की वजह से या फिर मैं इनको डेली खिलाता रहता हूँ ना खाना, तो उस वजह से इनकी ना आदत बन गई है। खैर से लो मिट्टी में खेलना शुरू हुई है। तो यार ये जितना बाजरा है ना अब गीला हुआ हुआ जितना मैंने बनाया है, सारों को पिंजरों में डाल रहा हूँ मैं, ताकि ये खाएं और फिर इनको एक एक करके खोल देंगे, ताकि पानी पिए, थोड़ा घूमे फिरें और थोड़ा इनका जो खाना है वो हजम भी हो और थोड़ा ये खुद खेल कूद लें यहाँ पे ही बस। तो यार सबको जो है दाना पानी कर दिया है दोस्तों, पर यार ये लोग शौक से नहीं खा रहे हैं बहुत, जो खाना चाहिए ना इन्हें जिस हिसाब से बाजरा बहुत कम खा रहे हैं, क्योंकि यार मैंने शायद इनकी आदत बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी है खाने के ऊपर। चावल हो गए तो प्याज हो गए तो इन चीज़ों पर खिलाना चाहिए, लेकिन एक हद में है, वरना देखे ना ये इस पर मुँह नहीं मारता है। अब इनको एक से दो दिन दूंगा ना मैं लगातार, फिर ये खुद खाएंगे जब भूख लगेगी। खैर से यार ये देखें मैंने जो है वो अपने छोटे चेतन को इन दोनों के साथ खोला है, और छोटा जो है वो एडजस्ट हो गया इनके साथ, और बच्चे जो हैं वो भी इसके साथ एडजस्ट हो गए हैं वो देखें। बाकी यार मैंने एक चीज़ तुम लोगों से पूछनी थी, इन दोनों के यार हमें नाम सजेस्ट करें, ताकि ये जो जोड़ा है ना इसका हम नाम रख दें, तो उनको नाम से ही पुकारें बहुत अच्छा लगता है, तो लाजमी मुझे कमेंट में बताना इन दोनों के नाम। तो यार मैं क्या सोचा था दोस्तों, आप लोगों को सुबह याद होगी हमने जो है प्लाट पे एक डव देखी थी जो कि इस तरफ बैठी हुई थी इधर नीचे की तरफ, तो उसका मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना कल उसको हम पकड़ें, कि पकड़ें या नहीं आप लोग कमेंट में बताएं पकड़ें या नहीं पकड़ें, क्योंकि वो जो है ना इधर ही कहीं रहती है, इधर ही आसपास कहीं ना उसका घोंसला बना हुआ है, या तो इस हॉल के अंदर बना हुआ है या फिर इधर ही कहीं आगे पीछे कहीं ना कहीं होगा। बाकी वो उतरती इस प्लाट पे है डेली खाने के लिए, अब वो खाने के लिए उतरती है और काफ़ी बिग साइज डव है। खैर से यार मैं देखता हूँ फिर कल, आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं लाजमी उसको कल या परसों पकड़ने की करते हैं। बट यार पकड़ने के लिए ना एक से दो बंदे होना ज़रूरी है, तो फुरकान जो है ना आज वो कराची गया हुआ है, जब भी वो आज व्लॉग में भी नहीं है, तो जैसे ही वो कल आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ और देखता हूँ, अगर डव कल यहाँ पे बैठी हुई तो फिर हम उसको पकड़ेंगे, और अगर नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं भाई, फिर उसका नसीब। खैर से देखेंगे, क्योंकि वो सिंगल डफ है इसी वजह से मैं उसको पकड़ना चाह रहा हूँ। उसके साथ अगर फीमेल है वो तो उसके साथ मेल लाजमी होता, अगर मेल था तो फीमेल लाजमी होती, पर वो सिंगल अकेले घूम रही थी, तो बिग साइज डफ है यार। देखते हैं कल हमें अल्लाह करे मिल जाए तो हम उसको पकड़ लेंगे। चलो भाई छोटा चेतन आप तुम्हारी बारी। यार इसके साथ भी ना हमने अब लानी होगी लाजमी एक ना एक मादा, क्योंकि यार बेचारा अकेला हो गया, देखें सन्नाटे में घूमे जा रहा है और दूसरों को ना तंग कर रहा है, जाके उसको छेड़ रहा है, उसको छेड़ रहा है, वहाँ जाके जो हमारा छोटा डॉन है ना उसको बार बार छेड़ता है, ये बार बार छेड़ता है, वो मारेगा इसको, समझे? आ जाओ, ये देखें देखें ये देखें देखें कैसे इसके पास आया फौरन छेड़ने के लिए, तुम इससे भी कुटोगे, चलो आ जाओ। चलो यार ये ले आए हम दाल, तो यार ये दाल देख रहे हैं आप मैंने सुबह ही भिगो दी थी, और ये आप लोग समझ गए होंगे हमने किसको खिलानी है, जो हमारे कबूतर के बच्चे को छोड़ा है ना इन्होंने जो जुल्म करा उसके साथ, तो उसको हमने पालना है, तो भाई उसको ये लाजमी खिलानी है ताकि उसका पोटा भरे तो जल्दी साइज अपना इंक्रीज कर सके, तो जल्दी से मैं इनको ये खिला देता हूँ इससे पहले कि मगरिब हो। चलो भाई आ जाओ, तुम्हारा खाना आ गया, आ जाओ भाई। तो यार जितना इसका पोटा भर सकता था ना मैंने भर दिया, इससे ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा इनके लिए। वैसे मुझे यार कमेंट काफ़ी आए थे कि यार इसको आप टेम करें टेम करें, तो मैं सोच रहा हूँ यार आप लोग बताओ कि बाकी टेम करना चाहिए मुझे इसे या नहीं, क्योंकि देख लो भाई ये टेम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कभी कबूतर को टेम किया नहीं है। एक पहले कर रहा था पर वो तकरीबन 6 महीने पहले वो यार नहीं रहा था, जिसका नाम भी हमने रखा था, तो क्या कर सकते हैं यार वो तो नहीं रहा, लेकिन ये है, अब इसका बताओ इसको टेम करें या नहीं। चलो भाई जाओ अपने भाई के पास। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल गर्मे शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े के ब्लॉग के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।